आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम बनाने जा रहे हैं शवरमा, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होगा। ये मैंने एक पाव का चिकन लिया है। एक पाव चिकन के अंदर अब मैं इसमें डालने वाली हूँ आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच हम डालेंगे टिक्का मसाला और एक चम्मच हम इसमें डालेंगे लहसुन पिसा हुआ और एक अदद लेमन इसमें ऐड कर देंगे। लेमन ऐड कर देंगे लेमन ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। अच्छी तरीके से रखने के बाद हम इसे फिर फ्राई करेंगे। ये हमारा मिक्स हो चुका है। हम इसे अभी रख देंगे 10 मिनट के लिए, फिर इसे हम फ्राई करेंगे। ये हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऐड कर दिया फ्राई पैन में और इसमें हमने चिकन में जो मसाला लगा के रखा हुआ था वो इसमें हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम इसे पहले मीडियम आंच पे पकाएंगे, फिर लो फ्लेम पे 5 मिनट पकाएंगे। टोटल 10 से 12 मिनट इसको लगेंगे बनने में। पहले 5 से 6 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम में बनाएंगे और फिर इसे लो फ्लेम में बनाएंगे। ये हमने अभी इसको मीडियम फ्लेम पे रखकर ढक्कन लगा के रख दिया है। मुझे चाहिए सैलेड के लिए बंद गोभी, खीरा और गाजर। इनको सबसे पहले अच्छी तरीके से मैं धो लिया था और धोने के बाद मैं इनको काट लूँगी। बंद गोभी मुझे हाफ़ चाहिए था, हाफ लूँगी मैं और इनको अच्छी तरीके से कटिंग करूँगी। और प्लीज़ कटिंग करने के टाइम अपने हाथों का उंगलियों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। एहतियात से कटिंग करना एहतियात से ज़रूरी है। और नेक्स्ट खीरा और गाजर काट लेंगे। इनको भी इसी तरीके से काट कर बाउल में रख देंगे एक साइड। खीरा भी हमारा कट हो गया है, कटिंग कर लिया हमने खीरा। अभी हम गाजर भी काट लेंगे किसी तरीके से। करते हैं, ये देखें चिकन हमारा कुक हो रहा है। इसमें थोड़ा सा पानी है, इस पानी को बिल्कुल ड्राई करना है हमें। 5 से 6 मिनट इसको कुक करते रहना है लो फ्लेम पर और जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो ये हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे इसको कुक करने के लिए रख देंगे। ढक के कुक करने के लिए छोड़ देंगे। चेक करते हैं, ये मज़ीद हमने 5 से 6 मिनट जो कुक किया था इसको बिल्कुल ड्राई करना था, ड्राई हो चुका है। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको एक साइड रख देंगे। सॉस बनाते हैं शोरमा के लिए। 2 टेबलस्पून मायोनीज के लिए हैं इसमें और 2 जवे लहसुन के बारीक कटे हुए डाले हैं, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ही लाल मिर्च इसमें डालकर ऐड कर दिया और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और ये हमारा सॉस तैयार हो जाएगा। आइए पानी ऐड करके दिखाते हैं आपको। बिल्कुल ही ज़रा सा पानी इसमें डालेंगे और चम्मच की मदद से इन सब पानी को इसके अंदर अच्छी तरीके से
मिक्स कर देंगे तो हमारा ये सॉस बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखें तैयार हो गया है। आइए शवरमा ब्रेड को सेकते हैं। फ्राई पैन को मैंने मीडियम आंच पे रख के गर्म किया था, फिर मैंने इसको ब्रेड रख दिया था और थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। एक तरफ सेक गया है, अभी दूसरी तरफ टर्न कर देंगे। ये देखें हल्का गोल्डन कलर आ गया है इसको। अभी इसको हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखें दूसरा शवरमा ब्रेड भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरह दूसरा पहला वाला बनाया था। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस पे। टर्न कर देंगे। देखें ये भी हमारा तैयार हो रहा है। मज़ीद 1 सेकंड और बनाएंगे इसको, सेकेंगे इसको और इसको फिर प्लेट में निकालेंगे। तैयार हो गया है। अब मैं शवरमा ब्रेड के ऊपर वाइट सॉस है ये अच्छी तरीके से लगाऊंगी। और फिर इस पर रेड सॉस है वो लगा दूंगी। अब इस पर मैं चिकन रखूंगी। सलाद है, इस पे सलाद रखूंगी। आप लोग अपने मनपसंद सलाद यूज़ कर सकते हैं और मज़ीद मायोनीज वाइट सॉस और ये रेड सॉस इस पे फैला कर इसको फोल्ड करेंगे अच्छी तरीके से। और मज़ीद एक और भी इसी तरीके से आप लोगों को शवरमा ब्रेड बना के रोल करके दिखाएंगे। ये आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा अपने घर में। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और बनाकर मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने बनाया था और आप लोगों को कैसा लगा है, फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। ये देखिए एक और हम बना रहे हैं। वाइट और रेड सॉस लगाने के बाद चिकन रखा है और सैलेड रखा है। उसके बाद मज़ीद थोड़ा सा सॉस और लगा के फोल्ड कर देंगे अच्छी तरीके से। और मैं अभी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।